फ्रेंड्स, एकता हियर। और जैसे कि आप सबने सुना है कि बॉडीज आर मेड इन किचन, लाइक एब्स आर मेड इन किचन, एवरीथिंग इज मेड इन किचन, बट वो सिर्फ 80% होता है। जो बाकी का 20% है वो होता है या तो जिम में, या तो आपका वर्कआउट, या आपका योगा, या पिलाटेज, या जो भी आप करते हैं उसमें। तो आज मैं आई हूँ मेरे जिम में, जो साइक्स जिम है, लोखंडवाला में है, ओशिवरा में भी कह सकते हैं, जमुना नगर भी कह सकते हैं, मिल्लत नगर भी कह सकते हैं, इट्स लाइक हब। मैं वहाँ आई हूँ और मैं यहाँ ट्रेन करती हूँ एवरी डे, आई थिंक सो एवरी डे। और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ आइए, यहाँ वर्कआउट कीजिए। और मैं सबसे पहले आपको मिलाती हूँ हमारे ट्रेनर से, जो हमें बताएंगे कि जिम कैसे होता है, क्यों होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, वो भी शायद बता देंगे। ओके, तो वेलकम मोहसिन सर, प्लीज़ कम। हेलो, हाय। हाय। तो सर, पहले हमें ये बताइए कि जैसे मैंने कहा कि 80% आपका काम घर पे होता है जी, खाना जो आप खा रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, और जो बाकी 20% है यहाँ होता है। Exercise. तो ये 20% जो आपको जो खाना जो है वो निकालने की जो चीज़ें हैं वो कैसे होगा? वो इंटेंस वर्कआउट की वजह से होगा। इंटेंस वर्कआउट करना पड़ेगा उसके लिए, जैसे क्या उसके लिए रेपिटिशंस सब शेड्यूल बनाना पड़ेगा, देन उसके बेनिफिट्स क्या है और क्या नहीं है, है ना। जैसे कि अभी एक फाइव रेपिटेशन है और फिर उसके बाद हमें कितना रेपिटेशन मारना है, कितना नहीं मारना है, तो उसकी वजह से हमें जो एक्सरसाइज है वो सेट करना पड़ेगा, पूरा गोल सेट करना पड़ता है उसकी वजह से। तो सबसे पहले सर, आप अपने बारे में बताइए, आप कब से ट्रेन कर रहे हैं? मुझे सर्टिफाइड, क्या सर्टिफिकेशंस हैं आपके, क्वालिफिकेशंस क्या हैं आपके? मैं 16 साल से हूँ इस फील्ड के अंदर और मेरा एक्सपीरियंस कुछ अलग है एक्चुअली। और मैं इधर सर्टिफाई हूँ, ये जिम से हूँ, बहुत टाइम से हूँ मैं, सचिन सर के साथ में हूँ काफ़ी टाइम से यहाँ पर, और ई जिम के साथ से हूँ मैं पहला। अभी साइक्स में हमने टेक ओवर किया है और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें साइक्स में देखने मिला एक्चुअली यहाँ पे। लड़कियों के लिए कहा जाता है कि अगर वो वेट उठाएँ तो जैसे आपके जैसे डोले शोले हो जाएंगे, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, हारमोन्स के ऊपर डिपेंड होता है, फीमेल हार्मोन्स और ह्यूमन हार्मोन्स में डिफरेंस होता है ना। तो उसमें जो हमारे ह्यूमन सिस्टम जो हमारा रहता है ना, उसको बूस्ट करने के लिए हमको करना पड़ता है। लेकिन ये लेडीज़ बोलते हैं कि बॉडी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें। देखो, डिपेंड करता है हमारे डाइट के ऊपर, हम स्टेरॉइड लेते हैं नहीं लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली, है ना। तो अगर लड़कियाँ स्टेरॉइड लेती है देन उनके मसल्स बन जाएंगे, और नहीं लेती है देन स्लिम हो जाएगी लड़कियाँ, डाइट वगैरह करेंगे देन एक्सरसाइज करेंगे उससे स्लिम हो जाती है। सो एक मिथ हमने बस्ट किया कि वुमेन्स को अगर ज़्यादा वेट उठाएंगे तो बॉडी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ओके, तो हम दूसरा मिथ हम ये जानना चाहते हैं कि सिर्फ वर्कआउट से ही आपका मतलब आप स्लिम हो जाएंगे, ऐसा कुछ है? ऐसा वर्कआउट से ही स्लिम नहीं होगा, उसके लिए डाइट आपको प्रॉपरली होनी चाहिए, आपकी स्लीप होनी चाहिए, है ना। आपका गोल क्या है मेन, वो होना चाहिए एक्चुअली। आप किस चीज़ को लेकर हम सोचते हैं, जैसे कि हम किसी बारे में सोच रहे, समझ ले काम का टेंशन, इसका टेंशन, ये नहीं होना चाहिए थोड़ा। देन हम अगर वर्कआउट के बारे में सोचे तो वर्कआउट के ही बारे में सोचें, फोकस वर्कआउट पे ही करें एक्चुअली। तो अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे सबसे पहले किस चीज़ पे वर्कआउट करना पड़ेगा? मतलब अगर मैं चाहूँ कि मेरा बॉडी थोड़ा स्लिम हो जाए, मेरा वेट थोड़ा कम हो जाए, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? देन पहले तो मैं आपको, अगर मैं सजेस्ट करूँगा तो सबसे पहले तो आपका गोल पूछूंगा, देन मेडिकल हिस्ट्री पूछूंगा कि मेडिकल हिस्ट्री क्या है आपकी, है ना, देन आपको क्या इश्यूज़ है, तो वो हिसाब से मैं आपका गोल शेड्यूल बनाऊंगा, है ना। जैसे कि आपको मेडिकल इश्यूज़ है, आपको बैक पेन है, नी पेन है, है ना, तो आप स्क्वाट्स कैसे मारोगे, बैक पेन है तो डेडलिफ्ट कैसे मारोगे, है ना, तो यही सब चीज़ें होती है, है ना? वो हिसाब से शेड्यूल मैं बनाऊंगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू वर्कआउट टुडे। तो आज हम कौन सा वर्कआउट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? आज हम वर्कआउट करेंगे लेग्स वर्कआउट। माय फेवरेट, लेग्स वर्कआउट करेंगे क्योंकि लेग्स बड़ा मसल होता है और सबसे ज्यादा कैलोरीज लेग्स में बर्न होती है। आई थिंक ज्यादा देर तक भी बर्न होती है, बिकॉज़ इट्स अ लॉन्ग टाइम। जब तक मसल में पेन आएगा जब तक बर्न होती रहती है एक्चुअली। आई थिंक उसका जो इफेक्ट है वो दो दिन के बाद पता चलता है। आज वर्कआउट किया तो दो दिन बाद उसका इफेक्ट पता चलेगा कि यू कैन नॉट इवन सिट और यू कैन नॉट इवन स्टैंड प्रॉपरली, एंड इट मींस दैट यू हैव वर्कड आउट प्रॉपरली, राइट? या राइट। सर, कोई भी वर्कआउट करने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और प्लस साथ में ये भी हम जानना चाहेंगे कि वर्कआउट के बाद बस हम सीधा चले जाएं, क्या करें,
क्या करें हम? वर्कआउट से पहले एक्चुअली हमें वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप इसके लिए जरूरी होता है ताकि हमें कोई इंजरी ना हो, क्योंकि ब्लड फ्लो ज्यादा फास्ट में हो ताकि हमें कोई इंजरी ना हो, इसी वजह से हमें वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। और लास्ट में जब वार्म अप एक्सरसाइज हो जाए, एक्सरसाइज के बाद हमें स्ट्रेचिंग करना इसीलिए जरूरी है ताकि हमारे बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए उसके लिए। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू वार्म अप आल्सो एंड स्ट्रेचिंग्स आल्सो। यू आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ एक्सप्रेशन ऑन माय फेस व्हेन आई विल बी डूइंग स्ट्रेचिंग। डिड यू हियर दैट? डिड यू हियर दैट? लेट्स गो। तो चलो करते हैं हमारे साथ आज लेग वर्कआउट, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी आपको साथ साथ में मिलते रहेंगे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on हमारे साथ हैं निखिल जी, जो ई जिम और साइक्स जिम के भी पार्टनर हैं। तो निखिल जी, हमें बताइए कि साइक्स जिम में आप हमारे लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? कोविड के चलते हुए बेसिकली वी सैनिटाइज कंप्लीट फ्लो एवरी आवर। वी हैव लाइक सैनिटाइज मशीन, तो लाइक बेसिकली वी टेल एवरी मेम्बर्स कि मास्क इज कंपल्सरी, मास्क कैरी करना है उनको, हैंड ग्लव्स कंपल्सरी, एंड वी सैनिटाइज कम्प्लीट फ्लोर एवरी आर। जो भी मशीन्स वगैरह होती है हर 15-20 मिनट्स में हम सैनिटाइज करते हैं। सो वी टेक वी हैव अ सैनिटाइज, सबसे बड़ी बात वी हैव अ सैनिटाइज शूज शू ऑल्सो, कि एवरी मेम्बर्स वो वॉक इन तो पहले अपने शू को भी सैनिटाइज करते हैं, देन ओनली दे कैन वॉक इन, एंड दैट्स इट। वी टेक मैक्सिमम 100% प्रिकॉशन फॉर एवरी मेम्बर्स एंड स्टाफ ओवर हियर, बिकॉज मैंने अभी भी देखा जैसे जो मेरे ट्रेनर्स थे उन्होंने सबने मास्क लगाया हुआ था, बिकॉज आई एम ट्रेनिंग, आई एम लाइक ओके आई कैन वेयर आई कैन नॉट वेयर, बट इफ आई एम रनिंग आई कैन नॉट वेयर, इफ आई एम डूइंग जॉगिंग आई कैन नॉट वेयर,
बट आई हैव टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंस. जैसे मैंने आपको अब दिखाऊंगी कि जैसे वो जो मशीन्स भी लगी हुई हैं, इवन ट्रेडमिल भी है, तो एक बंद है एक चालू है, तो देयर इज अ हमारा खुद को अलग से आउटडोर जिम सेटअप किया हुआ है कि कोविड के चलते अगर मेंबर्स को इनसाइड वर्कआउट नहीं करना है तो दे कैन वर्कआउट आउटसाइड ऑल्सो. सो वी जो भी मशीन्स हमारे अंदर है वो भी हमारे इक्विपमेंट्स बाहर भी है. सो एवरी मेंबर कैन वर्कआउट आउटडोर जिम्स ऑल्सो इनसाइड ऑल्सो लाइक बेसिकली. धूप में अगर आपको वर्कआउट करना है, ज्यादा पसीना निकालना है, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी. आई विल सैनिटाइज अगेन. उफ, इट वाज अ वेरी वेरी हार्ड वर्कआउट, बट जैसे मैंने कहा कि लेग्स आर माई फेवरेट वर्कआउट. आई एंजॉयड इट अ लॉट एंड आई होप आपको भी एंजॉयमेंट हुई रहेगी. क्या कह रहे हैं सर? या राइट, इन्जॉयमेंट तो है, लेकिन इसके साथ साथ में हमको प्रिकॉशन भी लेना पड़ेगा. इसके प्रिकॉशन कैसे क्या है, एक्चुअली मास्क बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी मास्क है एक्चुअली, है ना. ये अभी सीजन हम लोग का अभी क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है और कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है ना, तो इसके वजह से हमें मास्क कंपलसरी है, सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है एक्चुअली, है ना. तो हमें मास्क लगा के एक्सरसाइज करना है, लेकिन प्रिकॉशन में लेना है, ठीक है. सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें हैंड वॉश करना है, है ना, हर टाइम में सैनिटाइजर यूज होता है. हर वर्कआउट के बाद हमने पूरी सीट को सैनिटाइज किया, हर इंस्ट्रूमेंट को सैनिटाइज किया. सैनिटाइज करने के बाद हमने वर्कआउट किया. अब हमारा वर्कआउट हो चुका है, सो लेट्स गेट बैक टू द मास्क.